हाय फ्रेंड्स, मैं आरती। मैं करवा रही हूँ आपके सीटेट की प्रिपरेशन, तो अन अकेडमी में आप हमें फॉलो करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो गूगल प्ले स्टोर में जाके अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और ऐप को ओपन करें, आरती वर्मा लिख के सर्च करें और देन उसके बाद फॉलो करें, क्योंकि आपके सीटेट और डीएलएड की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं अन अकेडमी में। तो देरी किस बात की है, जल्दी से ऐप को डाउनलोड करिए और आरती वर्मा को फॉलो करिए। थैंक यू। हाय फ्रेंड, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका कोड 506 समावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना के अंतर्गत यूनिट 5 लिया है, और यूनिट 5 यानी आम प्रत्यय में से एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिया है कि बच्चों में अवधारणाएं और स्वयं अवधारणाएं कैसे बनती हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे अवधारणाएं क्या होती हैं और ये अवधारणाएं और स्वयं अवधारणाएं क्या होती हैं, बच्चों में कैसे विकसित होती हैं, कैसे बनती हैं। लॉन्ग ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए आइए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन इसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। यदि आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर भी करिए। चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो, बच्चों में अवधारणाएं और स्वयं अवधारणाएं कैसे बनती हैं। तो चलिए आत्म प्रत्यय के विकास में पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि बच्चों में अवधारणाएं और स्वयं अवधारणाएं कैसे बनती हैं। अब आपको ये बताना है यहाँ पे कि बच्चों में जो अवधारणाएं और स्वयं अवधारणाएं होती हैं कैसे बनती हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। अवधारणा जो होती है क्या चीज होती है, तो अवधारणा को हमारे मस्तिष्क में बनी छवियां माना जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो अपने मस्तिष्क में किसी के बारे में जो कुछ भी सोच लेते हैं, ठीक है ना, तो वही क्या हो जाती है, अवधारणा हो जाती है। उसी के बारे में, उसी कल्पना के बारे में हम सोचने लगते हैं। जो हमने अपने मन में किसी के बारे में जो सोचा है वो हमारी अवधारणा है। वे बच्चों को दुनिया कार्यात्मक इकाइयों के रूप में समझने में सहायता करती हैं। अवधारणा सभी प्रकार के अधिगम की मूल इकाई है। बचपन से बुढ़ापे तक मनुष्य नई अवधारणाएं सीखता है और पुरानी अवधारणाओं को दैनिक जीवन में नई परिस्थितियों में प्रयोग करता है। उम्र, अनुभव व वृद्धि के आधार पर व्यक्ति अवधारणा निर्माण के स्तर में भिन्न होते हैं। अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया एक बड़े भिन्नभिन्नाते खिले भ्रम से उत्पन्न होती है, जिसमें बच्चा पैदा होता है। बच्चा कुछ जैविक विरासत के साथ पैदा होता है और बाहरी दुनिया का अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करता है, जो ज्ञान के द्वार है। कुछ बच्चों में अवधारणाएं पूरी और सही प्रकार से विकसित होती है, कुछ में आंशिक रूप से विकसित होती है और कुछ में गलत प्रकार से। चूंकि संस्कृत कुछ क्षमताओं के विकास में प्रभाव डालती है और इसलिए सांस्कृतिक विभिन्नताओं से व्यक्तिगत विभिन्नताएं विकसित होती हैं। अवधारणाओं के विकास के लिए कम उम्र महत्वपूर्ण है और उसके लिए एक प्रेरक वातावरण आवश्यक है। जब बच्चे के अभिभावक अनपढ़ होते हैं तो वे बच्चों से उस प्रकार बात नहीं कर पाते जिससे वे समझ सकें, और इसलिए विकास की दृष्टि से बच्चे के घर का वातावरण, स्कूल, पास पड़ोस का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे जैसे बच्चे आसपास की दुनिया को समझने लगते हैं, धीरे धीरे विभिन्न अवधारणाएँ सीखने लगते हैं। अनेक प्रकार की अवधारणाएँ जो बच्चे सीखते हैं वे जीवन, मृत्यु, शरीर के कार्य, स्थान, भार, संख्या, समय, लिंग संबंधी भूमिकाएँ, सामाजिक जागरूकता, सौंदर्य, स्वयं आदि होते हैं। और अवधारणाओं का विकास निर्भर करता है बच्चे को। अब यहाँ पे समझते हैं कि अवधारणा होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अवधारणा का मतलब आप इसे सोच से भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं। जिस तरह हम किसी को कहते हैं जनरली कि यार तुम्हारी ये अवधारणा बन गई है, यानी तुम्हारी ये सोच है, तुम्हें उसके प्रति अपनी अवधारणा बदलनी चाहिए, तुम्हें उसके प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिए। तो जो ये सोच होता है ये एक तरह से अधिगम का एक मूल इकाई माना गया है, और मनुष्य जब से जन्म लेता है तब से जब तक कि वो बुढ़ा नहीं हो जाता है तब तक ये अवधारणाएं यानी ये सोच जो है वो सीखता है। अवधारणाएं उम्र के साथ साथ बदलती रहती हैं। एक बच्चा होता है, छोटा होता है, उसकी अवधारणाएं जो होती हैं उसके हिसाब से चलती हैं, ठीक है ना। और जब वो बड़ा होता है, कुछ बस ऐसा अवस्था से बाल्यावस्था में आता है, तो उसकी अवधारणाएं और विकसित होती हैं, ठीक है। और क्योंकि अवधारणा का संबंध मस्तिष्क से होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि अवधारणा ये संज्ञानात्मक अवधारणा है, ये मस्तिष्क से केंद्रित होती हैं, इनका काम मस्तिष्क होता है। तो जब हम सोचते हैं तो हमारे सोचने का जो काम होता है वो भी हमारे मस्तिष्क से ही होता है। और ये सोच अवधारणाएं परिवेश के हिसाब से भी बदलती रहती हैं और व्यक्ति के उम्र के हिसाब से भी बदलती रहती हैं, विकसित होती रहती हैं। अवधारणाएं
सामाजिक भी होती हैं, ठीक है, सांस्कृतिक भी होती हैं। सोच जो है वो सामाजिक भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है, नैतिक भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है, क्योंकि हम किस जिस रिलीजन से, जिस मजहब, जिस धर्म से हैं, उसकी संस्कृति क्या है, उसकी हमारी अवधारणा उसी के हिसाब से होगी। यदि हम कहें हम जिस समाज में रह रहे हैं उसकी सोच, उसकी अवधारणा क्या है, उस समाज की अवधारणा क्या है, वही हमारी अवधारणा हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अवधारणा जो है वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक मनुष्य जो है, यानी जब तक कि वो बूढ़ा नहीं हो जाता है तब तक वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अवधारणा की प्रक्रिया, निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये चलती रहती है, ठीक है। और विकास की दृष्टि से बच्चे के घर का जो वातावरण होता है, चाहे स्कूल हो, चाहे आस पड़ोस हो, चाहे वातावरण हो, कुछ भी हो, बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है, क्योंकि अवधारणाएं सीखना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी वजह से समझ जो है वो क्या होती है, बढ़ने लगती है, वो चीज़ों को समझने लगता है, चाहे वो जीवन, मृत्यु, शरीर के कार्य है, भार है, संख्या है, नियम है, लिंग संबंधी भूमिकाएं हैं, जेंडर, सामाजिक जागरूकता, जो भी हो, ये सभी अवधारणाएं जो है बच्चे सीखते हैं, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं उदाहरण के लिए, कि जिस बच्चे को बचपन में ही कई देशों में घूमने का अवसर मिला हो तो वह समझता है कि दुनिया भर में लोग रहते हैं जिनकी अपनी भाषाएं और संस्कृति है, और जिस बच्चे को यह ज्ञान ना मिले तो उसके लिए इस अवधारणा को समझना मुश्किल होता है, और इसलिए इन सब बच्चों में समझ व अवधारणाओं का विकास नहीं होता, और उनकी विभिन्न अवधारणाओं की समझ का स्तर भी अलग अलग होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, अंतर कम होता है क्योंकि उन्हें समान अधिगम परिस्थितियाँ मिलने लगती हैं। तो जो व्यक्ति जिस दायरे में, जिस परिवेश में, जहाँ तक सीमित होता है, उसकी अवधारणाएं वहीं तक होती है। जैसा कि अभी हमने कहा, आप एक परिवार में रहते हैं तो आपकी अवधारणा, आपकी सोच एक परिवार तक होगी। जब आप बड़े होते हैं और आप समाज को, आप पड़ोस को समझने लगते हैं, उनको भी अपना मानने लगते हैं, तो आपकी सोच आपके परिवार से बढ़ के समाज तक हो जाती है। आप समाज के बारे में भी सोचने लगते हैं, आपकी अवधारणाएं यहाँ पे चेंज हो गई। सिर्फ आपका परिवार आपके साथ नहीं है, अब आपका जो आस पड़ोस है, अगल बगल में रहने वाले लोग हैं, जब समाज है, वो भी आपके साथ है और आपका अपना है। जब आप अपने इस परिवार और समाज से आगे बढ़ के एक राज्य में पहुंचते हैं, एक दूसरे राज्य में पहुंचते हैं, तो आप वहाँ के बारे में भी सोचते हैं, वहाँ जाके आपकी अवधारणाएं चेंज हो जाती हैं, वहाँ के लोगों के प्रति आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसी तरह से जब आप देश के बाहर निकलते हैं तो देश के बाहर के लोगों के बारे में जानने को मिलता है। तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा फैलता है, जितना ज़्यादा दूर तक जाता है, उसकी अवधारणाएँ उतनी ही ज़्यादा विकसित होती हैं अकॉर्डिंग उनके, जो कि एक ही जगह पर स्थिर है, एक ही जगह पर, एक ही अपने गांव परिवार में है, उनके मुकाबले जो है उन बच्चों की समझ अवधारणाएं ज्यादा होती हैं, ठीक है। शारीरिक विकास के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास भी होता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका बचपन में बना आधार फैलने लगता है, अधिक लोगों से प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बढ़ता है। माता पिता, भाई बहन और अन्य संबंधी बच्चे की पहली सामाजिक दुनिया होते हैं। वे बच्चों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, उनसे किस प्रकार बर्ताव करते हैं, महत्वपूर्ण कारक है जो बच्चे स्वयं की अवधारणा बनाते हैं, और व्यक्तित्व पैटर्न का मूल है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है और मूल स्कूल पड़ोस में मित्र मंडली को मिलता है, तो उसके व्यक्ति के विकास को प्रभावित करने लगते हैं, और इन लोगों की अभिवृत्तियां, उनका बच्चे से बर्ताव करने का ढंग, सब बच्चे की स्वयं अवधारणा पर प्रभाव डालते हैं। यह उसकी शुरुआती नींव के अनुकूल हो सकता है या परिवर्तन हो सकता है। तो स्वयं अवधारणा कैसे बनती है, तो जब बच्चा घर में रहता है, अपने परिवार में रहता है, अपने भाई बहन माता पिता बस को जानता है, क्योंकि वही उसका परिवार होता है, वही उसकी दुनिया होती है, यहाँ पे बच्चा स्वयं के बारे में सोचता है, यहीं पे वो स्वयं अवधारणा विकसित होती है, क्योंकि उसको बताया जाता है ये तुम्हारे भाई, ये तुम्हारी बहन, ये तुम्हारे माँ, ये तुम्हारे पिता, दादा दादी हैं, इसके बाहर उसको कुछ भी नहीं पता होता, तो ये स्वयं की अवधारणा होती है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, स्कूल जाने लगा है, तो अब अपने परिवार से बाहर निकल के एक उसे स्कूल की मित्र मंडली मिल गई है, तो वहाँ जाके उसके व्यक्तित्व के विकास को भी वो चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे और लोगों से मिल रहा है, और लोगों की अवधारणाओं को जान रहा है, समझ रहा है, और हो सकता है कि उनकी अवधारणाओं को ग्रहण करने की भी कोशिश कर रहा हो, वो जो उसकी अवधारणा है उसको मानते हुए दूसरों की अवधारणा भी ले रहा हो, तो ये स्वयं की अवधारणा पे भी प्रभाव डालते हैं, क्योंकि स्कूल में तो परिवार भर नहीं सिखाया जाता, स्कूल में तो समाज के, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में भी सिखाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है स्वयं अवधारणा पर प्रभाव डालना, ठीक है।
तो यहाँ पे भी वही चीजें दी हुई हैं जो अभी जस्ट हम आपको बता के आ रहे हैं कि जब वो अपने परिवार में मित्र मंडली में रहता है तो बहुत सारे ऐसे काम करता है, ठीक है ना, जो स्वयं की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसे देख लीजिएगा, जो जस्ट अभी हमने बताया है वही चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, स्वयं की अवधारणा जो होती है उसमें जो बच्चे के माता पिता होते हैं उनका नजरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माता पिता अपने बच्चों के रूप में क्षमताओं उपलब्धियों आदि के बारे में कैसा महसूस करते हैं, जनरली वो चाहते हैं जैसा हम सोचते हैं बच्चा वैसा ही बने, उनकी आकांक्षाएं जो होती हैं उन पर खरा उतरे। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता है, बच्चे की स्वयं अवधारणा के विकास को प्रभावित करती है, तब जो होता है उस चीजों में बच्चा विफल हो जाता है, तो माता पिता को लगता है कि हमारी परवरिश अच्छी नहीं थी या बच्चे की नींव अच्छी नहीं थी, जो ऐसा नहीं हुआ है, और तब बच्चे अपने आप को बेकार और किसी काम के नहीं समझने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि बच्चों में अवधारणाएं और स्वयं अवधारणाएं कैसे बनती हैं। वीडियो कैसा लगा, आपके समझ में आया या नहीं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए एंड शेयर भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।